दोस्तों अगर आप कपड़े धुलवाते हैं तो 1 किलो का 100 रुपये लेते हैं, तो लॉन्ड्री भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, थोड़े थोड़े उस पर आपको लॉन्ड्री मिल जाएगी, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से शॉप से मैंने ली है ये कोका कोला 50 नेपाली 50 रुपीज की। अब दोस्तों यही कोका कोला इंडिया के अंदर मिलता है 20 रुपीज का 250 ml, और अगर वही डिफरेंस देखा जाए जो हमारी करेंसी का डिफरेंस है 1.5 गुना का, वो 1.6 का, तो उस हिसाब से 30 से 32 रुपये का बनता है। लेकिन यहाँ पर इस पर MRP है जो वो 50 रुपये है, 50 रुपये MRP है इसके ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा है यहाँ पर। वो मैंने उससे पूछा दुकानदार से, भाई ये इतना महंगा कैसे है, तो उसने बताया कि इंडिया से आता है, तो इस पर इंटरनेशनल चार्ज वगैरह लगा करके तो ये 50 रुपये का हो जाता है। और जो 500 ml कोल्ड ड्रिंक है वो इंडिया के अंदर मिलती है 30 रुपये की, और यहाँ पर मिलती है वो 85 रुपीज़ की, 85 MRP है उस पर, 90 रुपये के बेचते हैं। और जो शॉपकीपर है उसने बताया दुकानदार ने कि जो 2 लाख की बाइक है इंडिया के अंदर वो यहाँ आकर के 7 लाख की हो जाती है। दो का 3 लाख, तो 3,20,000 तो वैसे ही बन जाएगा, और लेकिन उस पर टैक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लग करके वो 7 लाख की हो जाती है। चलिए अभी से पीते हैं। ये देखिए सामने अंसुरा, अंसुरा तो महंगा पैसे क्या फुटूगा। ये देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है, इसमें कई सारे काम है, ज्वेलरी वगैरह सभी कुछ है। देखिए कितनी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चलिए आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। नाम है ज्वेल क्राफ्ट। ये होटल माउंटेन टॉप, उधर की साइड भी ज्वेलरी है। यह रंगीला डांस पार्क, इसके अंदर लड़कियां डांस करती है और हिंदी गाने चलते हैं, अब भी चल रहे हैं हिंदी गाने। यह है रोजमेरी स्पा विद ब्यूटी सर्विस। ओके देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है लेकिन कितनी अच्छी है। देखिए दोनों साइड अंदर भी इस पर जाते हैं। इस
स्मोकिंग। फैट मंकी। मधुशाला कपड़ों पर भी यहाँ जैसे सर्दी आ गई है तो कपड़ों पर काफ़ी ज़बरदस्त सेल चल रही है। ये ट्रैकिंग के लिए है, यहाँ से आप ट्रैकिंग के लिए ले सकते हैं। छड़ी है ये, और यहाँ छाते वगैरह, चश्मे, बैग वगैरह, कैप। ये जो आप देख रहे हैं, गोरे और गोरिया और लड़के लड़कियाँ सभी एक क्लब से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे निकलते हैं, तीसरे में चले जाते हैं। ये देखिए लीकर शॉप, कितनी बड़ी लीकर शॉप। कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, गर्म कपड़े हैं। ये जैकेट, ये जैकेट है, काफ़ी गर्म जैकेट है। दी कश्मीरी, कश्मीरी ब्लैंकेट 100% प्योर। थाईलैंड की तरह यहाँ भी काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं, शॉप पर काफ़ी लड़कियाँ काम करती हैं और काम बहुत सारे काम करती हैं यहाँ पर लड़कियाँ। जिस प्रकार से थाईलैंड में ज़्यादातर शॉप पर लड़कियाँ काम करती हैं, उसी प्रकार से नेपाल में भी लगभग वही कल्चर है। दोस्तों नेपाल में भी थाईलैंड वाला ही कल्चर दिखाई देता है। यहाँ पर लड़कियाँ शादी करने की बजाय बॉयफ्रेंड ज़्यादा रखती है और उन्हें बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर भी शादी नहीं करती। क्या फिश टेल बुक शॉप, स्टिल वी एक्सेप्ट वीज़ा, यहाँ पर वीज़ा कार्ड चलता है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सोविनियर है, शूट कर सकता हूँ।
200 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये, नेपाली रुपये, कितने अच्छे अच्छे स्पीकर, 250 रुपये, शॉप वगैरह है काफ़ी। और इधर की साइड ये है, ये मग वगैरह है, कप, इनके ऊपर यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है उनके फोटो है, नाम। एक शॉप और है, एक ये देखे, आई एम प्योर 100% कश्मीरी हैंडमेड इन नेपाल, तो ये कश्मीरी शॉल वगैरह है और टी शर्ट बनियान टाइप में सभी कुछ कश्मीरी है 100%। ये भी यहाँ पर एक क्लब है और ये है यहाँ पर देखिए, ये प्लेन, दिस इज सो मच, देख कितनी अच्छी एंट्री बनाई हुई है, लाउंज मतलब शराब बिस्की वगैरह, लाइव म्यूजिक है, डीजे म्यूजिक, पूल टेबल, बियर बार, हुक्का बार। अच्छा अंदर है, ऊपर ऊपर वन फ्लोर है। अच्छा यहाँ से एंट्री है, एंट्रेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से एंट्री और ऊपर जाना है प्लेन।